मित्रों, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता जो इस धरती पर आया है। उसे एक ना एक दिन यह शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ जाता है। जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब कहीं जाकर उसे जीवन की सच्चाई का पता चलती है और वह इस संसार की मोह माया से परे होता है। अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मृत व्यक्ति को उसके संस्कार से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? आखिर कपड़ों से आत्मा का संबंध है? क्या ऐसा करना जरूरी? और क्या होगा यदि मृत व्यक्ति को नए कपड़े न पहनाए जाए? कुछ इसी तरह के सवाल जिनका जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि मृत व्यक्ति के कपड़े आपको पहनने चाहिए या फिर उनके साथ क्या करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ सनातन ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर सनातनी के लिए अनिवार्य होता है, वरना उसे मोक्ष या फिर शांति नहीं मिल पाती है। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार की संपूर्ण विधि का वर्णन किया गया है। साथ ही उसके मृत व्यक्ति को कपड़े पहनाने के बारे में भी बताया गया है। मित्रों, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर लोग उनकी वस्तुओं को याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आम तौर पर कपड़े भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त मनाही है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वह अतीत की यादों से बाहर नहीं आ पाता और विशेष रूप से उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता। अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान उपयोग में लाते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है, क्योंकि हम उस दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि इस्तेमाल में नहीं लाने चाहिए। इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। अंतिम संस्कार से पहले मृतक को नहलाना एक प्रकार से उसकी आंतरिक व भौतिक शुद्धि के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति को पहले गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए, फिर उसके शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को पूरी तरह नए वस्त्रों से ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हो, शुद्ध हो और सफेद रंग के हो, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का रंग होता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शोक, मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गोमूत्र, गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसे करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियां के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि मृतक एक नए सफर पर जा रहा है, ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर ही उसे विदा किया जाता है। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए शव को चिता पर लिटा दिया जाता है। उस पर पुष्प आदि रखे जाते हैं। किसी की मृत्यु होने पर यदि उसके परिवार के लोग अंतिम संस्कार में बहुत जल्दबाजी करते हैं तो यह बिल्कुल सही नहीं है। किसी का अंतिम संस्कार 9 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि यमराज ने गलती से किसी के प्राण ले लिए हैं तो वे उन्हें लौट आने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी के अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कम से कम 8 से 9 घंटे रुकना चाहिए। दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति को नए कपड़े पहनाकर ही अंतिम संस्कार किया जाता है।
कुछ इसी तरह का वर्णन मिलता है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।